आई एम डॉक्टर कमलेश रंजन, और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन ऑफ द चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन एंड सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन बच गया था मिनरल न्यूट्रिशन का, वो था क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू इफ फॉल्स करेक्ट देम, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विच स्टेटमेंट इज इज करेक्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ फॉल्स करेक्ट देम, इफ फॉल्स करेक्ट देम। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन ये कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि बोरॉन डिफिशियंसी लीड टू स्टाउट एक्सिस, है ना। बोरॉन डिफिशियंसी लीड टू स्टाउट एक्सिस। तो स्टाउट का मतलब होता है ड्वार्फ, है ना। और आपको पता है कि जो मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है उसके चलते प्लांट का हाइट जो है वो बढ़ता है, राइट। तो अगर मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो प्लांट क्या होगा, स्टाउट हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर required for meristematic activity which is responsible for the increase in length। ठीक है, आपको पता है जो एपिकल मेरिस्टेम है उसके चलते इंक्रीज इन लेंथ होता है। तो अगर मान लो बोरॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी नहीं होगी, तो उसके चलते जो लेंथ जो होगा जितना बढ़ना चाहिए नॉर्मल केस में उतना इंक्रीज नहीं होगा, तो प्लांट जो है वो स्टाउट हो जाएगा, मतलब ड्वार्फ हो जाएगा। करेक्ट है, सबको समझ आ गया सॉल्यूशन। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट क्या कहता है। देखो सेकेंड पार्ट ये कहता है कि एवरी मिनरल एलिमेंट दैट इज प्रेजेंट इन अ सेल इज नीडेड बाय द सेल, राइट। क्वेश्चन ये है कि एवरी मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेल इन अ सेल इज नीडेड नीडेड इन द सेल। ठीक है, इज इट ट्रू और फॉल्स, करेक्ट है या नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट, क्योंकि देखो आपको पता है मैंने बताया था कि 60 एलिमेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन द प्लांट सेल, राइट, इन डिफरेंट प्लांट्स सब मिला करके 60 एलिमेंट्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड। बट आपको पता है कि ओनली 17 एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द प्लांट। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सॉल्यूशन ये है दैट एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेल इज नॉट एसेंशियल बिकॉज इन प्लांट्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट 60 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड आउट ऑफ दीज 60 ओनली 17 एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड टू बी एसेंशियल फॉर द प्लांट. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, आंसर मिल गया आपको. ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे. थर्ड पार्ट क्या कहता है? नाइट्रोजन एज ए न्यूट्रिएंट एलिमेंट इज हाईली इमोबाइल इन द प्लांट्स. राइट, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम. क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है कि नाइट्रोजन एज मिनरल न्यूट्रिएंट इज हाईली इमोबाइल ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट जो है, एक बार आप डिस्प्ले करो, डिस्प्ले बोर्ड आप बताओ, मैसेज बॉक्स में लिखो, देखो अपना दिमाग लगाओ थोड़ा. न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन को कह रहा है इमोबाइल, क्या ये सही है या गलत है? डिस्प्ले बोर्ड में लिखो, मैसेज बॉक्स में, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा. समझ नहीं आया? कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया? क्वेश्चन लिखो जो नहीं समझ में आया. आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया बताओ. अब आवाज आ रही है? लिखो, तुम लिखोगे तभी सॉल्यूशन बताऊंगा मैं. देखो इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, आप रहने दीजिए डिस्प्ले बोर्ड. देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्या लग रहा है, कि ये इमोबाइल है नाइट्रोजन या मोबाइल है? स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? लिखो मैसेज बॉक्स में. अच्छा मैं बता रहा हूं सॉल्यूशन. देखो इसका सॉल्यूशन ये होगा कि नाइट्रोजन एज मिनरल न्यूट्रिएंट इज मोबाइल एलिमेंट है ये. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स.
ये मोबाइल एलिमेंट है, इसलिए ये जो क्या होता है कि ये, ठीक है, देखो मोबाइल और इमोबाइल का मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। जो बाकी एलिमेंट्स है ना, इमोबाइल दो, सिर्फ दो है, सल्फर एंड कैल्शियम, ये दोनों क्या है, इमोबाइल है। बाकी नाइट्रोजन और बाकी जितने एलिमेंट हैं दे आर ऑल मोबाइल। समझ आ गया? इमोबाइल कौन से हैं? सल्फर एंड कैल्शियम। ठीक है, क्लियर है? चलो अब थर्ड फोर्थ पार्ट पे कहते हैं करते हैं। इट इज इजी टू एस्टेब्लिश एसेंशियलिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन ट्रेस क्वांटिटीज। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है? इट इज इजी टू एस्टेब्लिश द एसेंशियलिटी ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन रिक्वायर्ड इन रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इजी है इसको एस्टेब्लिश करना, इजी है इसको एस्टेब्लिश करना क्योंकि ये ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, तो इसको इजी नहीं है। तो इजी तो नहीं होना चाहिए क्योंकि क्योंकि क्या होता है, कोई भी अमाउंट अगर ट्रेस अमाउंट में है तो उसको डिटेक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इसको इजी तो नहीं कह सकते हम, इजी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, राइट? सो सॉल्यूशन है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इज फॉल्स बिकॉज इट इज नॉट इजी टू डिटेक्ट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, प्रेजेंट इन इट इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो ये हमने एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चंस कर लिए, सबको समझ आ गया? चलिए एक पॉल करते हैं, देखते हैं सबको समझ आ गया एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन था, आप पॉल में बताओ। ठीक है, सबको समझ आ गया? ठीक है, अब देखो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये आया था, ये पहले नीट में आया हुआ है क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज द एक्टिवेटर ऑफ रूबिस्को एंड पीपी कार्बोक्सिलेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑन मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, विच एलिमेंट, चाहे विच न्यूट्रिएंट इज एक्टिवेटर ऑफ रूबिस्को
एंड पीपी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? नंबर वन मैग्नीशियम, नंबर टू मैग्नीज, नंबर थ्री पोटेशियम, नंबर डी कैल्शियम। बताओ इसका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? मैसेज बॉक्स में लिखो। मैसेज बॉक्स में लिखो आंसर, क्या होगा आंसर इसका? चलो मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मैग्नीशियम इज द एक्टिवेटर ऑफ रूबिस्को एंड पीपी कार्बोक्सिलेज। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो करते हैं, विच एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। कौन सा दो एलिमेंट जो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व है? तो पहला है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दूसरा है कैल्शियम एंड मैग्नीज, तीसरा है नाइट्रोजन एंड कैल्शियम, और चौथा है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस। बताओ इसका क्या आंसर होगा? कौन सा दो एलिमेंट जो है इन्वॉल्व होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर में? फोटोलिसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये लाइट रिएक्शन में होता है, आपको पता है। तो इसमें क्या आंसर होगा? आप मैसेज बॉक्स में लिखो आंसर। चलो मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा कैल्शियम एंड मैग्नीज, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन है कैल्शियम एंड मैग्नीज, उसके अलावा एक क्लोरीन भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है? ये क्वेश्चन जो लास्ट हमने डिस्कस किया वो 2015 में आया था। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटाशियम आर विजिबल, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर विजिबल फर्स्ट इन फर्स्ट। इसका क्या आंसर होगा? रूट, बड, यंग लीफ और डी सेनेसेंट लीफ। इसका आंसर क्या होगा बताओ? मैसेज बॉक्स में लिखो। ये क्वेश्चन आया है 2014 में, ये क्वेश्चन आया है 2014 में नीट में, ऑल इंडिया पीएमटी में। ठीक है, इसका आंसर बताओ, मैसेज बॉक्स में लिखो। चलो मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा सेनेसेंट लीफ, जो ओल्ड लीफ होता है ना उसमें इसका असर दिखता है। राइट, क्लियर है? दिस विल बी द आंसर।
ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहता है? स्पेशलाइज सेल फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉस्टॉक। स्पेशलाइज सेल फॉर फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या होगा बताओ? इसका ऑप्शन है एकिनेट, इसका ऑप्शन है एकिनेट नोड्यूल हॉर्मोगोनिया, नोड्यूल हॉर्मोगोनिया हॉर्मोगोनिया और लास्ट ऑप्शन है हेट्रोसिस्ट। ये क्वेश्चन आया है 2013 में, 2013 में आया ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीएमटी में। ठीक है, बताओ इसका आंसर, बताओ मैसेज बॉक्स में लिखो। चलो मैं बता देता हूं, इसका आंसर होगा हेट्रोसिस्ट। क्या आंसर होगा? हेट्रोसिस्ट। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव पे। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कहता है? बेस्ट डिफाइंड फंक्शन, ऑफ मैग्नीज डिफिशियंसी इन प्लांट इज। मैग्नीज डिफिशियंसी जब प्लांट में होगा तो उसका बेस्ट डिफाइंड क्या सिम्टम्स होगा, राइट? तो उसमें है बेस्ट डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन ग्रीन प्लांट, राइट? वाटर एब्जॉर्प्शन कैल्विन साइकिल, वाटर एब्जॉर्प्शन कैल्विन साइकिल, थर्ड फोटोलिसिस ऑफ वाटर और नाइट्रोजन फिक्सेशन। फोटोलिसिस ऑफ वाटर और लास्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। बताओ इसका आंसर क्या होगा, मैसेज बॉक्स में लिखो। इसका आंसर होगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो फोटोलिसिस में ना तीन एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। एक होता है मैग्नीज, एक होता है कैल्शियम और एक होता है क्लोरीन। ये थ्री एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स पे। विच एलिमेंट आर नॉट रीमोबिलाइज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, यह है क्वेश्चन नंबर सिक्स। विच एलिमेंट इज नॉट रीमोबिलाइज्ड। इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा नाइट्रोजन, पोटासियम, कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटासियम और डी फास्फोरस। इसका क्या आंसर होगा बताओ? इसका आंसर होगा, इसका सही आंसर है, मैंने आपको एक लिस्ट दिया था, आपको याद होगा कि सल्फर और कैल्शियम जो होता है वो इमोबाइल होता है, और बाकी क्योंकि वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट का पार्ट होता है और बाकी मोबाइल होते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है नॉट रीमोबिलाइज्ड, तो नॉट रीमोबिलाइज्ड में क्या आंसर होगा? कैल्शियम। तो सही आंसर क्या होगा? कैल्शियम। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है? दैट द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल इज, ये 2011 में आया था ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, ये नहीं मेंशन है कब आया था। ये फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल इज, द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल इज। तो इसमें चार ऑप्शन है, एक्सप्रेशन ऑफ निफ्स जीन, नोड्यूल डिफरेंशिएशन, एक्सप्रेशन ऑफ निफ्स जीन ये है ऑप्शन वन, एक्सप्रेशन ऑफ निफ्स जीन, दूसरा ऑप्शन है नोड्यूल डिफरेंशिएशन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन रिमूवल, और लास्ट ऑप्शन है इनहिबिशन ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी, इनहिबिशन ऑफ डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी। देखो इसमें बताओ इसका क्या आंसर होगा। आपको पता है कि लेग हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन, लेग हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन क्वेंचर का काम करता है, सो दैट नाइट्रोजिनेज कैन एक्ट। नाइट्रोजिनेज जो है वो एनरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में काम करता है, और लेग हीमोग्लोबिन जो है बाहर की तरफ रहता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नाइट्रोजिनेज कैन एक्ट इन द ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट टू फिक्स नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। समझ आ गया? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूवल, ऑक्सीजन रिमूवल। ठीक है, ऑक्सीजन रिमूवल क्यों? क्योंकि नाइट्रोजिनेज जो है वो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में काम करेगा, तो ऑक्सीजन को अगर क्वेंच कर लेगा देन नाइट्रोजिनेज कैन एक्ट। समझ आया बात आपको? तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? तो ये था, हमने क्वेश्चन कर लिया आज। ठीक है, कोई समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया लिखो, अपना क्वेश्चन लिखो, क्या समझ नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं फिर से बताऊंगा। अब लिखो मैसेज बॉक्स में SVU, यूजर नेम SVU। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, विकास इज सेइंग लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो था, देखो मैं पीछे जाता हूँ, लास्ट क्वेश्चन ये था ना कि बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज डेफिशिएंसी इन प्लांट, यही था ना। अच्छा, ये वाला नॉट रीमोबिलाइज्ड। अच्छा देखो, इसका मतलब ये होता है ना कि कोई एलिमेंट, दो एलिमेंट ऐसा है जैसे सल्फर और कैल्शियम, वो
उसके स्ट्रक्चरल का पार्ट है, जैसे अमीनो एसिड का पार्ट होता है सल्फर, और कैल्शियम जो होता है वो पार्ट होता है सेल वॉल का, मिडिल लैमेला का, तो ये स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अगर कोई एलिमेंट स्ट्रक्चर का पार्ट है तो वो उससे कैसे रिलीज होगा, तो इसलिए उसको कहते हैं हम इमोबाइल। वो मोबाइल, वो मतलब कि जैसे मान लो लीफ गिर रहा है तो उसके साथ ही गिर जाएगा, वो प्लांट में रिटेन उसको नहीं करता है, इसीलिए उसके डिफिशियंसी सिम्टम यंग पार्ट्स पे दिखते हैं, क्योंकि प्लांट तो उस एलिमेंट को लूज कर दिया, क्योंकि वो मोबाइल तो है नहीं, वो तो लीफ के साथ गिर गया। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए उसको कहते हैं हम इमोबाइल एलिमेंट, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्लांट, लाइक से मिडिल लैमेला और से एमिनो एसिड। ठीक है, क्लियर है? बिकॉज SVU, समझ आया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा है। अच्छा, ओके, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हो, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखो, विकास ऐसा है कि लेग हीमोग्लोबिन जो होता है, देखो जैसे ये प्लांट सेल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है ना कि देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियोइड, ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर क्या होता है कि देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ देखो देखो ये ना, इसके अंदर बैक्टीरियोइड होते हैं, ये बैक्टीरियोइड है, ठीक है, देखो ये बैक्टीरियोइड है। अब इसके बाहर क्या होता है ना कि एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट को कहते हैं हम रेड लेग हीमोग्लोबिन, सबके बाहर होगा ये, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो, दिस इज बैक्टीरियोइड, और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज लेग हीमोग्लोबिन, तो ये क्या करता है ना, ऑक्सीजन को क्वेंच कर लेता है, और इसके अंदर ना बैक्टीरियोइड जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम रिलीज करता है। यहां पे एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, नाइट्रोजिनेज। तो ये नाइट्रोजिनेज जो होता है ना कैन एक्ट इन एनएरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन फ्री कंडीशन में, और ये क्या करता है, लेग हीमोग्लोबिन ये एक्ट करता है ऑक्सीजन क्वेंचर। तो ऑक्सीजन क्वेंच कर लिया तो एनएरोबिक कंडीशन बन गया, और उसमें दिस नाइट्रोजिनेज कैन एक्ट, अंडरस्टूड, और वो जो है नाइट्रोजन को कंबाइन करता है 3H2 से, और ये बना देता है 2NH3। दिस इज द एंजाइम विच इज नाइट्रोजिनेज। तो नाइट्रोजिनेज क्यों एक्ट किया, क्योंकि लेग हीमोग्लोबिन ने एनएरोबिक कंडीशन बनाया, और उसके चलते नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया इनटू अमोनिया। अब आया समझ में विकास? क्वेश्चन नंबर 7 आ गया समझ में विकास? ठीक है, समझ आ गया, वेरी गुड। ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन जो किसी को समझ नहीं आया? SVU कोई क्वेश्चन है? ठीक है, तो आज हमने इतना क्वेश्चन कर लिया नीट का, प्रीवियस ईयर भी कर लिया, और हमने ये NCERT का भी लास्ट क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन कराएंगे प्रीवियस ईयर्स के। ठीक है,
मंजू सिंह क्वेश्चन, मंजू सिंह इज गोइंग क्वेश्चन नंबर सिक्स। ओके ठीक है, अभी मैं बताता हूं क्वेश्चन नंबर सिक्स, रुको। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है ना, ये कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट अच्छा आप चलो मंजू मैं फिर से बता देता हूं। देखो ऐसा होता है ना कि रीमोबिलाइज्ड का मतलब ये होता है ना कि सल्फर और कैल्शियम ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट का पार्ट है। जैसे कैल्शियम, आपको पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट के फॉर्म में होता है, सेल मिडिल लैमेला का पार्ट है। तो जो चीज स्ट्रक्चर का पार्ट है वो तो रिलीज होगा नहीं, वो तो लीफ के साथ ही गिर जाएगा धरती पे। समझ आया आपको? ये लीफ के साथ ही गिर जाएगा। तो ये प्लांट जो है, अगर लीफ के साथ वो एलिमेंट गिर गया, प्लांट को रिलीज करके नहीं गिरा अगर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्लांट को डेफिशिएंसी होगा। तो उस डेफिशिएंसी का जो सिम्टम अपीयर होता है वो यंग लीफ पे अपीयर होता है। जैसे सल्फर और कैल्शियम का डेफिशिएंसी, उसका डेफिशिएंसी सिम्टम अपीयर होता है यंग लीफ पे, और यंग लीफ में क्लोरोसिस हो जाता है। अब आया समझ में मंजू? ओके तो और कोई क्वेश्चन किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, सबको समझ आ गया? ठीक है, तो आज का ये लेक्चर था, तो आज का ये हमने लेक्चर किया। नेक्स्ट क्लास में चलो आपको हम कुछ और क्वेश्चन इसी चैप्टर के कराएंगे, लेकिन क्लास में आप जुड़ना जरूर, ठीक है? और आपको पता है टाइमिंग क्लासेस की, आप शेड्यूल में देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपके पास एक वो VIP कोर्स का एक आपके पास जाएगा ऑप्शन, उसमें आप अपना पॉल देके अपना इंटरेस्ट बता सकते हो। ठीक है, ये डन। ओके।